बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 4 कंटिन्यू है एवरेजेस। सो जो एवरेजेस है उसमें से जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 10 ईयर से, तो वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज देख लेते हैं हम जो ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2016 का, और उसमें देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो फिर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी इस वीडियो में, और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर सॉल्व करवाऊँगी। तो देख लेते हैं 2016 में कौन से हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 4 से। सो हेयर द ईयर 2016। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो कि आ रहे हैं चैप्टर 4 से। सो ये हमारे पास तो देखें चैप्टर 3 से है, और ये 5 से, ये है हमारे पास चैप्टर 4 से। और भी देख लेते हैं चैप्टर 4 से और कौन कौन से आ रहे हैं। सो ये भी हमारे पास चैप्टर 4 से आ रहे हैं, और ये भी। तो ये जो है बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। और अभी जो है मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी जो कि है चैप्टर 4 से। सो इसको मैं ज़रा जूम कर लूँ, तो इसको मैं रीड कर देती हूँ। द एजेस ऑफ एम्प्लॉइज़ इन अ डिपार्टमेंट आर क्लासिफाइड एज, तो ये एज इन ईयर्स है हमारे पास। तो ये देख सकते हैं ये ग्रुप डाटा है, यानी कि 16 to 20 जा रहे हैं, 21 to 25 है। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की, यानी कि ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। उसमें क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ आ हिस्टोग्राम एंड फाइंड द मोड ग्राफिकली। तो हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है, और फिर हमें मोड जो होता है मोड वो बताना है। लेकिन कैसे बताना है मोड को, ग्राफिकली बताना है। अब मोड देख लें तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपल जो मोड वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं होगा, जो कि मैंने इससे जो पहले क्वेश्चन एयर सॉल्व करवाया उसमें जो एक फार्मूला बताया था मैंने आपको मोड का भी, मीडियन का भी और मीन का भी, तो वो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूलाज थे। सेम वही फार्मूला यहाँ भी यूज़ होगा, उसका हम मोड निकालेंगे, फिर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताएंगे हिस्टोग्राम में। यानी कि देखें हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा हमें उसके लिए, तो हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा, तो ग्राफ पेपर में हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास देख सकते हैं ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी, और ये एयर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल्स हो जाएंगे ये वाले सारे। तो ये हमारे पास देखें बराबर नहीं है, 16 to 20 है, ये हमारे पास बराबर नहीं है। तो हमने फ़ौरन से समझ जाना है कि इसका हमें क्या बनानी पड़ेगी, क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास गिवन है, फिर हम इसको मॉड इसका फाइंड करते हैं, फिर हम इसकी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताते हैं, हिस्टोग्राम फिर बनाएंगे, राइट। सो इसकी क्लास इंटरवल्स, और ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। अब इसका हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्योंकि हमारे पास देखें ये क्लास इंटरवल्स बराबर नहीं है। तो हमें जब फाइंड करना है मॉड ये इसमें क्या कहते हैं ग्रुप डाटा में, तो हमें इसको बराबर करना होगा कि देखें ये 20 है तो ये देखें 21 आ गया। नो, इस तरह नहीं करना कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ भी वैल्यू आनी चाहिए, इसी तरह यहाँ भी जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ भी आनी चाहिए। सो जब भी हमारे पास ग्रुप डाटा के कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आए, हमें मीन या मीडियन या मॉड कोई भी फाइंड चीज़ करनी होगी, तो अगर हमारे पास इस तरह से बराबर नहीं होगी वैल्यूज़, तो हमें क्लास बाउंड्री ज़रूर बनानी होगी। अब वो मीन के लिए भी हो सकती है, मीडियन के लिए भी हो सकती है, चले मीन के लिए तो चलो नहीं हो सकती, बट मीडियन के लिए तो और मॉड के लिए ज़रूर हो सकती है, राइट। तो आपने इस तरह से क्लास इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसी तो गिवन है, इसकी बस क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है और कुछ नहीं। और क्लास बाउंड्रीज़ बनाना पता है कि ये हमारे पास लोअर और ये अपर क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं, तो इसमें से हमें क्या करना होता है, 0.5 लेस करना होता है और इधर 0.5 ऐड करना होता है। तो जैसे कि 0.5 लेस किया तो ये हो गया 15.5, इसी तरह से ये हमारे पास सेम वैसे ही यहाँ पर जो 20.5 था वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर बस ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्लास बाउंड्रीज़ बनाना तो बहुत आसान है, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट आपको बना के यहाँ पे दिखा दी डायरेक्ट, बस मैंने कैलकुलेशन नहीं बता दिखाई वीडियो में, बस ये आपको शो कर दी कि आप इस तरह से बना लें, बस आप ये चेक कर लें। फिर बस हम इसका फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है मॉड के लिए, वो निकालते हैं, फिर उसमें वैल्यूज पुट करते हैं और फिर अपना फाइंड करते हैं, फिर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताएंगे हिस्टोग्राम में, राइट। सो हेयर द फार्मूला मॉड के लिए, जो कि ग्रुप डाटा का फार्मूला है। पहले भी मैंने आपको बताया था मीन मीडियन मॉड के तीनों के, तो अभी ये सिर्फ मॉड का है, तो मैंने यहाँ पे इस मॉड का लिख दिया। अब इसमें देखें FFFR है, तो मैंने बताया था कि हमने फ्रिक्वेंसी में ढूंढना है, तो ये हमारे पास L भी है और ये H भी है, तो ये फ्रिक्वेंसी के साथ L और H को भी ढूंढेंगे, फिर जो वैल्यूज़ आएगी फिर मैं इसमें आपको पुट करके बताती हूँ। तो उसके लिए हमें जो हमने बनाई थी अपनी जो टेबल बनाया था, क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी, देन क्लास बाउंड्रीज थी, वो चाहिए होगा। सो इसमें हमने फ्रिक्वेंसी में ढूंढना है सबसे बड़ी वैल्यू को, यानी कि फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम ढूंढेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 30 में देखेंगे, 30
30 हमारे पास फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, ठीक है। और फिर हमारे पास F1 क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और F2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू देखनी होती है फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम में। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी वाले जितने भी थे वो आ गए। अब L ढूंढे, तो L क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज में लोअर क्लास बाउंड्रीज कौन सी है, ये है, तो ये 25.5 वैल्यू लेंगे। इसी तरह से हाइट यानी कि H को किस तरह से फाइंड करना था, कि इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो वो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू होगी उसकी H की यानी कि हाइट की। तो 25.5 में से लेस करेंगे 30.5, तो जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी बट 5 आएगी। तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। साइन को नहीं देखें, सिर्फ 5 को देखें, जो नंबर आ रहा है हमारे पास, तो इसका वैल्यू आएगी 5। सो हमें, मैं पुट कर देती हूँ फिर सारी वैल्यूज फॉर्मूले में। सो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाती है, मैंने बताया था। तो यहाँ आ जाएगी 25.5 फिर प्लस, और ये फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है 30, माइनस कर देंगे उसमें F1 यानी कि फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर वाली जो कि है 25 अपॉन में, फिर ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई शो कर रहा है। फिर F1 है 25 अगेन, और हमारे पास F2 भी हमारे पास 25 है जो कि नीचे है फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम के। तो यहाँ पे माइनस 25 और मल्टीप्लाई बाय, मैंने बताया था हाइट कितनी आई है 5, तो ये 5 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू बेटमैन रूल पहले हमें ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेगी, और ब्रैकेट को सिर्फ सॉल्व करेंगे। सिर्फ 30 को 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, बाकी देखें सारी चीज़ें वैसी रही। अब ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया है, तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल 30 माइनस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, इन सबको एक साथ कैलकुलेटर में इसके साइन के साथ पुट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 5। अभी भी हमारे पास क्या रहता है, अभी इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, तो कैलकुलेटर से सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दें यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका वैल्यू आएगी 0.5, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25.5 अभी ऐसे ही रहेगा पहले, जब तक हम बेटमैन रूल के अकॉर्डिंग ना कर लें कि बेटमैन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना है देन फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है 2.5, ठीक है। 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आंसर है इसका 2.5। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास मॉड आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मॉड आ जाएगा जो कि है 28। तो ये हमारे पास है मॉड। अब ये जो मॉड आया है इसको पहले हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर उसमें इसको रिप्रेजेंट करके बताएंगे मॉड को ग्राफिकली, राइट। सो हियर द ग्राफ पेपर। अब आप यहाँ से इस तरह से लाइन यूं एक ड्रॉ करें एंड देन यहाँ पे यूं ड्रॉ करें, सो इस तरह से, और यूं करके लाइन आपने ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी सारी, और यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास है वो सबसे बड़ी जो कि है 30, और सबसे छोटी जो है 4। तो हम 4 से डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, कि 4 यहाँ पे डायरेक्ट 4 नंबर लिख देंगे, कि हम 1 2 इस तरह 3 4 नहीं कर रहे, सिंपल सिर्फ जो 4 जो नंबर हमारे पास गिवन है से मैं उस नंबर पे लेके जाके कर रही हूँ। तो ये हमारे पास देखें 1 बॉक्स है, ये 2 बॉक्स है, ये 3 बॉक्स है, ये 4 बॉक्स है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट आ गया फ्रिक्वेंसी का। इसी तरह से ये देखें, ये 5 6 7 8 9, फिर ये 10 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास जो है 14, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 14 तक लेके जाना है। तो जैसे ये 4 है, ये 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14। तो अब ये पॉइंट हमारे पास 14 का आ गया। तो इस तरह से जो नंबर मेरे पास गिवन है उसी नंबर पे मैं सिर्फ मार्किंग कर रही हूँ और ज़्यादा नहीं कर रही। अब 14 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाता है 25, तो 25 तक लेके जाना है। तो ये सिर्फ सिंपल बॉक्सेस को मैं काउंट कर रही हूँ, यानी कि एक बॉक्स एक नंबर के बराबर है। तो ये फिर 14, फिर ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारे पास 25। अब इसी तरह से नेक्स्ट है जो कि है 30, तो अब 30 तक करेंगे 26 27 28 29 30, तो ये हो गया 30। तो अब जो नंबर से सिंपल सिर्फ उस नंबर्स पे मैंने लिख दिया, और यहाँ मैं लिख देती हूँ ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी। अब रह गई क्लास बाउंड्रीज, तो अब क्लास बाउंड्रीज को देखते हैं। तो हम क्लास बाउंड्रीज को क्या कर रहे हैं, कि हमारे पास देखें हाइट जितनी है, कितनी हाइट है, कि अगर हम 15.5 को लेस करें 20.5 से तो क्या आता है, डिफरेंस 5 का आता है।
तो हम यहाँ 5 बॉक्सेस का डिफरेंस लेके बनाएंगे। कितना? 5 बॉक्सेस का डिफरेंस लेके, यानी कि 1 2 3 4 5, राइट। ये देखो 1 2 3 4, ये 5, तो ये हमारा जो 5 आ रहा है, तो ये है कितना जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज हैं, वो है 15.5, जो कि सबसे छोटी कह लें। तो यहाँ पे आ जाएगा 15.5। इसी तरह से दोबारा 5 का डिफरेंस लिखे, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका 20.5। इसी तरह से नेक्स्ट 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 25.5। इसी तरह से 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 30.5। फिर 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 35.5। फिर हमारे पास लास्ट है 40.5, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 40.5। तो इस तरह से पूरी मार्किंग मैंने कर दी। अब हमारे पास जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें हम हिस्टोग्राम जब बन जाएगा तो उसमें हम फिर जो हमारे पास मॉड आया है 28, वो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करके बताएंगे ग्राफिकली। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ पहले, ये हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा, मैं पेंसिल से लिख रही हूँ इसलिए शायद नज़र नहीं आ रहा होगा सही से। तो ये देखें क्लास बाउंड्रीज, तो ये मैंने इस तरह से सारी मार्किंग की है, राइट। तो आप देख लें 5 बॉक्सेस का गैप देखें। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हिस्टोग्राम बहुत इजी है, आप लोगों को आता ही होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप लोग सीख लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है, फ्रिक्वेंसी सबसे पहले तो 14 है, और वो कितने नंबर है, यानी कि 15.5 से लेके 20.5 तक है, और वो कहाँ तक जा रही है, 14 तक। तो यानी कि स्केल रखना है यहाँ 15.5 पे और लेके जाने का 14 तक। तो ये 14 हमारे पास देखें यहाँ पे आ रहा है, तो ये 14 से लेके 15.5 जो कि ये है, ये देखें यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे एक लाइन इस लाइन पे, और दूसरी ये जो लाइन है 20.5, तो इधर भी सेम यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये भी 14 तक। तो यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर दी, अब इन दोनों को यहाँ जोड़ देंगे ऊपर से। तो इस तरह से ये एक इस तरह से हमारे पास ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट देखना है, तो इस तरह से ये एक ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 20.5, ये 20.5, ये जा रहा है 25.5 तक, लेकिन वो नंबर क्या है फ्रीक्वेंसी में, हमारे पास 25 है, 25 देखना है, राइट। तो ये हमारे पास 25 है, यहाँ पे स्केल ऐसे रखना है, और ये यहाँ पे लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। तो देखिए यहाँ तक जा रहा है, और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो भी 25.5 है। तो अब 25.5 ये जो यहाँ तक, इसको भी ऐसे ड्रॉ करना है नीचे तक, क्लास बाउंड्रीज का जो पॉइंट है इस तरह से। तो अब ये दोनों से इस तरह से चढ़ा यहाँ तक, लंबा ये हो गया कि यहाँ से भी हमारे पास देखें हाफ, तो यहाँ से वैल्यू आ गई थी, मतलब यहाँ से हमने ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस यहाँ से थी तो यहाँ से कर लिया हमने, और ये पूरा यहाँ नीचे से ऐसे ड्रॉ किया। अब ये भी ऊपर से इस तरह से इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास जो पॉइंट में आ गया 25 पॉइंट में भी आ गया ये। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो भी सेम ऐसे करेंगे, ये 30, तो ये हमारे पास 25.5 है। इन दोनों को कहाँ तक लेके जाना है, तो इसका पॉइंट है हमारे पास 30, तो ये 30 तक लेके जाना है। तो ये जो 30 है इसके हमारे पास यहाँ पे इसको ऐसे रोकेंगे यहाँ पे, तो ये भी हमें इस तरह ऐसे और करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही इसको ड्रॉ करना है, लेकिन ये दूसरी लाइन है उसको पूरी ड्रॉ करनी होगी। तो ये जो कि 30.5 है उसको वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ड्रॉ करना है, तो ऐसे पूरा ड्रॉ कर दिया ये इस तरह से। अब इसको भी ऊपर से ऐसे क्लोज कर देंगे, तो ये भी एक हमारे पास पॉइंट इस तरह से बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं जो कि है 25 का, 25 से इस तरह से करना है। तो यानी कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो बस 35 पॉइंट से लेके यहाँ तक स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये 20 तक जाए, 25 तक जाए, तो ये यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से उसको लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखें 35.5 से इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ की, 35.5 से ये ड्रॉ होते होते कितना कहाँ तक गई है, ये ड्रॉ होते होते ये देखें 25 तक गई है। अब इसको यहाँ से यूँ क्लोज कर देंगे, तो ये क्लोज कर दिया है आपसे लाइन इसको। अब लास्ट हमारे पास रह गया है 4 पॉइंट का, यानी कि ये 4 पॉइंट है फ्रिक्वेंसी का, वो कहाँ तक जा रहा है कि बस ये जो एक पॉइंट है यहीं तक। तो ये हमारे पास इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, 4 पॉइंट देख लें, यहाँ से हमारे पास आ रहा है
40 पॉइंट तक इसको ऐसे रोकेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ से इसको ऊपर से भी क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास देखें इस तरह से हिस्टोग्राम ड्रॉ हमने कर दिया। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर इसका व्यू नज़र आ रहा होगा। ये देख सकते हैं सारे पॉइंट्स के ऊपर ये हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया है। तो ये हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। सो अब हमारे पास जो मॉड आया है 28, हमने जो भी मॉड फाइंड किया था 28, अब वो हम यहाँ पे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताएंगे इस ग्राफ पर, इस हिस्टोग्राम पर, राइट। तो ये हमारे पास देखें 28 यहाँ पे आता है, पता है ये 25 और 30 के बीच में ही 28 आता है। तो हम देखेंगे 25 है, ये 26, 27, ये 28। तो ये 28 को हमें ऐसे करके यहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ तक। अब यहाँ तक मैंने क्यों इसको स्टॉप किया, मैं यहाँ भी कहीं कर सकती थी। मैंने यहाँ तक इसको इसलिए स्टॉप किया कि हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं, अगर हम इसको ऐसे नीचे जाएं तो ये क्लास बाउंड्रीज़ जो है हमारे पास, इसमें भी 28 कहाँ आता है, ये 25.5 है और ये 30.5 है, तो वो भी 28 इसके यहाँ कहीं बीच में ही आता है। तो अगर हम कहीं देखें तो ये हमने जहाँ पॉइंट लगाया है ये यहाँ पर ही बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर रुकता है। कि जैसे ये 25.5 है तो आगे थोड़ा सा 26 होगा, फिर 27 होगा, 28 होगा, फिर इस तरह यहीं हमारे पास 28 भी आता है। तो पहले इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम जब ऐसे लाइन एक क्रॉस करेंगे यहाँ पे, जब इसे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे वो लाइन लेके जाएगी जहाँ पे नीचे क्लास बाउंड्रीज में 28 आता होगा। ठीक है, 28 जहाँ आता होगा वहीं पर हमारी लाइन रुकेगी। अभी हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास थोड़ी सी हमारी लाइन इधर से उधर हो सकती है, बट अगर हम यहाँ से लेके चलें तो हमारी बिल्कुल लाइन सही ड्रॉ की जाएगी। तो जैसे कि ये वाला है पॉइंट, और ये जो हमारे पास इसका, मैं आपको यहाँ से इस तरह से दिखा दूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसके ये कॉर्नर्स, इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस यूं करके लाइन लेके जानी है कि इस कॉर्नर से लेके ये जो ये कॉर्नर है यहाँ तक ऐसे लाइन यूं ड्रॉ की जाएगी। सेम यहाँ की जो हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास ये देखें ये हिस्टोग्राम, यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ तक इसका ये जो हिस्टोग्राम है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे इसकी लाइन ड्रॉ होगी। तो फिर मैं पहले लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, आपको फिर बताती हूँ। सो इस तरह से देखें लाइन यूं क्रॉस में ऐसे मैंने यहाँ से बिल्कुल इसका ये पॉइंट से यहाँ तक ऐसे की और यहाँ तक की। तो ये मैंने यूं करके क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब ये क्या शो कर रहा है कि जैसे ये जो क्रॉस का ये मिड पॉइंट है, ये बीच वाला, ये शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास यहाँ तक लाइन जा रही है वो क्या है, 28 की है। और इसी तरह से ये नीचे, तो यहाँ से इसको ये जो क्रॉस है ना, इसके बिल्कुल यहाँ से स्केल रखेंगे तो इसको ऐसे बिल्कुल नीचे तक ले जाएंगे, तो वो जो नीचे तक लाइन जाएगी वो हमारे पास वहाँ भी 28 को ही शो कर रही है कि यहाँ पे हमारे पास 28 है। तो जैसे इस तरह से मैंने ड्रॉ करी, ये इस तरह से आपने ड्रॉ करनी है कि क्रॉस की बिल्कुल बीच से। अब ये जो लाइन यूँ जा रही है बिल्कुल सीधी जा रही है, यहाँ पे जो है ये क्या शो कर रही है, ये हमारे पास यहाँ पे 28 शो कर रही है, जो कि है, जैसे मैं ऐसे यहाँ पे शो कर दूँ, ये है 28 की लाइन, जो कि ये क्या है, मॉड है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मॉड इक्वल्स टू 28। तो ये हमारे पास मॉड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको प्लॉट किया है मॉड को 28, जो कि यहाँ पे 25.5 है और ये 30.5 है, इसके यहाँ बीच में आती है 28 हमारे यहाँ, इसके यहाँ बीच में आता है। तो ये इस तरह से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना कहते हैं, यूँ इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था तो हमने कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये देखें इस तरह से जा रही है। अगर हम ऐसे ही कर देते तो हमें पता नहीं चलती कि हम इस लाइन पे कर देते, तो देखें बिल्कुल उन दोनों के बीच में भी नहीं है, उसके थोड़ा इस तरफ ज़्यादा है। तो अगर आप बिल्कुल पहले ऐसे क्रॉस बना लें, पहले यहाँ से नोट कर लें वो वैल्यू कहाँ तक जा रही है, फिर इस तरह से क्रॉस बना लें और फिर उस क्रॉस के बीच से बिल्कुल इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करें, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे हमारी क्लास बाउंड्रीज पे लाइन पॉइंट वो एग्जैक्ट करता होगा, राइट। तो एग्जैक्ट हमारा कहाँ कर रहा है, 28 पे, यहाँ कर रहा है बिल्कुल। सो आई होप भाई आपको ये क्वेश्चन और ये ग्राफ जो मैंने रिप्रेजेंट करके बताया समझ में आया होगा। ये हिस्टोग्राम है और हिस्टोग्राम पे हमने इसको मॉड जो है ग्राफ कर पे यहाँ पे ग्राफिकली करके रिप्रेजेंट मैंने करके बताया।
और अगर आप इसको बनाना चाहें तो ग्राफ पेपर भी बनाएं, क्या क्या ग्राफ पेपर पे ये ज़्यादा सही बनेगा। अगर वैसे ही बनाएंगे पेपर पे तो थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर ग्राफ पेपर बनाएंगे ग्राफ पेपर पे बिल्कुल आपका इसी तरह सही बनेगा। क्योंकि देखिए हमारे पास इस तरह से बॉक्सेस होते हैं ग्राफ पेपर पे, और पेपर पे हमारे पास सिंपल पेपर पे ऐसे नहीं होता, तो फिर ग्राफ पेपर पे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप कोशिश करें जो हिस्टोग्राम है वो ग्राफ पेपर पे ही बनाएं। तो देखें आप इसकी पूरा चेक कर सकते हैं, मैं कैमरा जूम आउट करके आपको दिखा देती हूँ। सो आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोबारा से, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर इसका व्यू नज़र आ रहा होगा। सो इसका ये आंसर है, आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।